I've fallen in love with I love. I love you. They'll say, wow. ये है मेरा गांव मलपे, कर्नाटक के अरेबियन समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ। ये समंदर ही यहाँ के मछुआरों के रोजगार का जरिया है, पर इससे कभी कभी मछुआरों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। जोर लगा के मैं कई सालों पहले उससे कॉलेज के दिनों में मिली थी। मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करता था, या तो मुझे परेशान करने की सोच रहा था। इसे आप क्या कहेंगे? या शायद वो हर किसी के साथ ऐसा करता हो, पता नहीं। मैं जब भी गांव आती थी उससे मिलती थी। उस हादसे वाले दिन भी मैं उससे मिली थी। तो ये उसके बारे में है, ये आर्टिकल जो तुम लिख रही हो? रेजिना! नहीं नहीं, ये उसके बारे में नहीं है। Then why a series? I mean, is it worth it? एक ही आर्टिकल में सब कुछ खत्म कर सकती थी आप? नहीं, इस एक घटना से मेरी पूरी कहानी जुड़ी हुई है। एक आर्टिकल पब्लिश करके हम उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकते। मैडम, आपके लिए चेयर लाऊं? नहीं, सिर्फ सेल ओपन कर दीजिए। इट्स ओके, मैं इसे जानती हूं। ओके, सो व्हाट इज योर आइडिया? सॉरी। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूं। अब मुझे आराम से बताइए, सच में किसी को भी नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। हर एक इंसान एक नई कहानी बताता है, दूसरे क्या सोचते हैं ये बात कोई महत्व नहीं रखती। अहम बात यह है कि आपको क्या सही लगता है। क्या लोगी तुम, चाय या कॉफी? कॉफी। इनके लिए कॉफी और मेरे लिए चाय लेकर आओ। नजरिया, क्या सही है क्या गलत, हर एक का नजरिया बदलता है जब वो अपनी नजर से देखते हैं। तो फिर मैं इस कहानी का अंत कैसे बताऊं? दरअसल ये गलत होगा अगर मैं इस कहानी की शुरुआत अंत से करूं। मुझे लगता है अगर हम इस कहानी को अपने नजरिए और दृष्टिकोण से पेश कर भी देते हैं तो हर एक इंसान इसे अपने हिसाब से ही जज करेगा। फेयर इनफ। तो फिर तुम कितने आर्टिकल्स लिखना चाहती हो? I don't know, शायद 5 या 6, it all depends. Okay, तो ट्यूसडे के एडिशन के लिए 6 आर्टिकल्स तैयार रखना, एंड आई थिंक
we can freeze on that. Sure sir, thank you so much. तो ये तुम्हारा पहला आर्टिकल है, टाइटल क्या देना चाहोगे? मैं आपको वो बताता हूँ जो मुझे पता है। मैंने जो देखा वो मैं बताता हूँ। मैं जो जानता हूँ जरूर बताऊंगा। मुंह बंद करो, मैं कुछ नहीं बताने वाला, चुपचाप बैठो, बड़े आए बोलने वाले। रेजिना, तुम इस आर्टिकल का क्या नाम रखोगी? I'll call it As Seen by the Rest. बचपन से ही बहुत शैतान था। उसने 12 साल की उम्र में एक लड़के को चाकू मार दिया था क्योंकि उस लड़के ने उसके दोस्त रघु को मारा था। उस हादसे के बाद रघु वहां से भाग गया और रिची को बच्चों के रिमांड होम में भेज दिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? 8 साल बाद ये रिची रिमांड होम से छूटकर आया, फिर वो मालपे चला आया। बाद में वो रघु को ढूंढता रहा लेकिन रघु का कुछ भी पता नहीं चला। तो रघु को रिची के बारे में कैसे पता चला? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि तब तक मैं मुंबई जा चुका था। दरअसल मैं मुंबई गया था काजू का सैंपल दिखाने। वहां का कोई ठेकेदार हमसे काजू खरीद कर विदेशों में एक्सपोर्ट करता था, उसी सिलसिले में मैं उससे मिला था। रघु ने ही उस तक हमें पहुंचाया था। एक दिन क्या हुआ, हम सब एक लेडीज बार में खाना खाने गए थे जहाँ हमें रघु दिखा। वो वहाँ मुंबई में क्या कर रहा था? वो यही कोई 13-14 साल का था जब यहाँ से भागकर मुंबई गया। वो मुंबई के पोर्ट के पास एक छोटी सी नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों बाद वो वहाँ पे कैशियर बन गया क्योंकि वो हिसाब में काफी तेज था। फिर वो पोर्ट के ही आसपास छोटी मोटी स्मगलिंग करके अच्छा पैसा कमाने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक नेवी ऑफिसर से उसने झगड़ा कर लिया और उसका सिर फोड़ दिया। फिर वो नेवी ऑफिसर मर गया। फिर रघु को अपने बचाव के लिए दूसरे गैंग का सहारा लेना पड़ा। फिर वो उसके चंगुल में ऐसा फंसा कि कभी नहीं निकल पाया। 15 सालों में कभी उसे ऐसा नहीं लगा कि घर वापस जाना चाहिए? क्या कह रही हैं आप, यहाँ की बुरी यादों में लौट कर वो आखिर करता भी क्या? हालांकि मैडम ऐसा नहीं था कि वो मुंबई में बहुत खुश था। फिर भी आदमी कितना भी कोशिश कर ले लेकिन अपनी पुरानी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाता। अरे रे, ये क्या कर रही हैं आप, पैसे मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ नोट लिख रही थी। ये बताइए वो मुंबई में किस बार में काम करता था? दरअसल
मुंबई में कुछ ही ऐसे लेडीज बार हैं जहां मैं जाता था, लेकिन अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। याददाश्त काफी कमजोर हो गई है। अरे हाँ, उस लेडीज बार का नाम रूपा था। ओके। हाँ, रूपा, कंफर्म। आप उससे आखिरी बार कब मिले थे? तकरीबन एक साल पहले। वो उस रात नशे में सारी रात बोलता रहा। मैंने जब उसके पापा की मौत के बारे में उसे बताया तो वो काफी निराश हो गया। बाद में उसने मुझे अगले दिन मुंबई के हार्बर पर बुलाया। ये सब कैसे हुआ? 4 साल पहले लीवर कैंसर हुआ था उन्हें। तुम्हारे गांव छोड़कर भागने के बाद वो बहुत पीते थे। और माँ? वो ठीक है, लेकिन उनसे मिले भी काफी समय हो गया। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे मछली मार्केट में हुई थी। वो खुश तो है ना? पता नहीं, वो अकेली रहती हैं। तुम ही बताओ, खुश कैसे रह सकती हैं? तुम वापस क्यों नहीं आते? कहाँ? मालपे में? वहां के करूंगा क्या? तुम वहां कोई धंधा कर सकते हो? ये इतना आसान नहीं है। अगर मैंने मुंबई छोड़ा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन? जिनके लिए मैं काम करता हूं, उनके काफी राज जान चुका हूं मैं, इसलिए वो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और ना ही कहीं जाने देंगे। तो फिर तुम अपनी मां को यहीं लेकर आ जाओ। इस नरक में वैसे भी वो मेरे बिना शांति से जी रही होगी, उसे वैसे ही रहने दो। और बाकी सब कैसे हैं? और लोग मतलब? रिची, तुम्हें शंकर पुजारी याद है ना? इस समय रिची उसके काले और सफेद सभी धंधों को संभालता है। वो भी काफी बदमाश है। कई साल रिमांड होम में गुजारे, फिर भी नहीं सुधरा। तुम्हारे जाने के बाद 8 साल उसने रिमांड होम में गुजारे थे। ये लो पैसे। ये पैसे किस लिए? रख लो और मेरी मां से मिलते रहना। और पैसे की जरूरत हो तो बता देना, मैं भिजवा दूंगा। और हम मिले किसी को बताना मत। फिर कुछ दिनों तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद उसने इस हादसे से 2 हफ्ते पहले मुझे फोन किया। वो अपनी माँ के साथ इस देश को छोड़कर भागना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि वो पैसों का इंतजाम होते ही मुझे फोन करेगा। हेलो, मैं मालपे वापस आ रहा हूँ। मेरे ठहरने का इंतजाम कर देना। मेरे आने के बारे में किसी को बताना मत। पैसों का इंतजाम हो गया है। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड और यूएस माफिया के बीच एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। एक लाल बैग जो उस डील के लिए बहुत जरूरी है, वो पिछले 2 दिन से गायब है। मेरे पास उस लाल बैग को चुराने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे पता है वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे जरूर ढूंढ निकालेंगे।
मुझे नहीं पता कि स्विच कहां पर है। हम यहां पर बहुत कम ही आते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा घर तो नहीं है, लेकिन काफी सेफ है। मैंने खाने पीने के सामान किचन में रखे हैं, सामान जैसे कि ब्रेड और जैम और कुछ अंडे। क्या तुम बना पाओगे? तुम्हें क्या लगता है वो मेरे साथ आएंगी? है, बिल्कुल आएंगी वो। अगर मना कर दिया तो? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आखिर वो तुम्हें मना क्यों करेंगी? अरे तुम उनके इकलौते बेटे हो। तुम देखना, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तो फिर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे जल्द से जल्द उनका पासपोर्ट बनवाना होगा। इसमें एक दो महीने लग जाएंगे, और तुम जानते हो कि मैं इतना नहीं रुक सकता। तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये पैसे रख लो, मैं दुबई से और पैसे भिजवा दूंगा। तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है कि नहीं? वैसे कभी मैंने भी सोचा था कि एक बार दुबई घूम कर आऊं। चलो ठीक है, मैं दुबई पहुंच के बाकी का इंतजाम करता हूं। थोड़ा टाइम तो लगेगा। माँ का पासपोर्ट बनने के बाद मैं तुम दोनों के वीजा और टिकट का इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें माँ को लेकर दुबई आना होगा। दुबई में मुझे वहां कोई नौकरी मिल सकती है? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहां पर, उनसे बात करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। 8 बजे तैयार रहना, अगर कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। फोन यहीं पर है, चलता हूं। फिर मैंने 8 बजे उसे फोन किया कि गाड़ी तैयार है। वो उस वक्त काफी डरा हुआ था, क्योंकि काफी सालों बाद मां से मिलने जा रहा था। से मिलकर आने के बाद आधी रात को उसने मुझे फोन किया। टाइम यही कोई 12:30 का रहा होगा। उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसकी माँ उसके साथ दुबई जाने के लिए तैयार थी। अगले दिन शाम को 7 बजे उसे वापस गाड़ी की जरूरत थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे शाम को खाने पर घर बुलाया था। अगले दिन दोपहर को मैंने उसे फोन किया। हमने कुछ देर बात की, फिर उसने मुझसे कहा कि किसी गाड़ी के आने की आवाज आ रही है।
एक मिनट रुको, कोई गाड़ी आई है बाहर। वो लोग यहां पहुंच गए। तुमने मेरे आने की खबर किसी को दी तो नहीं? क्या बात कर रहे हैं, मैं किसी को क्यों बताऊंगा? तो वो यहां कैसे आए? लगता है उनके पास गन भी है। क्या? खैर मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। ठीक है। दुबई की ट्रंक कॉल बुक करना। टेलीफोन नंबर बताइए सर। 758-00। ठीक है सर, मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ। मैं उस फार्म हाउस गई थी जहां वो रुका था। आई कुड फील हिज प्रेजेंस देयर। आई कुड फील व्हाट ही फेल्ट। मुझे उसकी परेशानी का पूरा अंदाजा है। मुझे लगा था कि ये कहानी जल्दी ही खत्म होने वाली है और दूसरी कहानी शुरू होने के कगार पर है। पोस्टर निकला हीरो। योर अटेंशन प्लीज। एज अ क्यूबन किड ऑलवेज सेड, हियर वी मीट वंस अगेन। अब मैं क्या कहूं? मैंने तो अपने भाई को खो दिया। रिची मेरे बेटे जैसा था। सड़कर मरेगा। बेटा नहीं, बेटे के नाम पर कलंक है वो। नरक में सांडा चाहिए। एक बात बताता हूँ, जब रिची रिमांड होम में था, वहाँ एक बहुत ही कड़क पुलिस वाला था जो बच्चों को बहुत मारता था। जब रिची वहाँ से बाहर निकला तो उसकी यूनिफॉर्म चुरा ली। फिर वो जहाँ भी जाता वो उसकी बेल्ट पहन कर ही जाता। अब इसके पीछे क्या था वही जाने। Thank you.
तो खत्म हो गया। कितना दहशत तेरे अपन का, मजा आ गया यार। इस पवित्र भूमि की सदियों से ये पुरानी परंपरा रही है, भगवान पापी को तो माफ कर सकता है लेकिन पापी की देखभाल करने वाले को नहीं माफ कर सकता। स्माइल प्लीज। मैं शंकर पुजारी के बारे में सब जानता हूँ, वो इन लोगों के लिए भगवान होंगे, लेकिन सब ब्लैक मनी का खेल है। सुना है एक जमाने में वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करता था। ये सब बकवास बातें हैं। तो फिर वो मुंबई से क्यों भाग गया? इसे वहां से भगा दिया गया है। मुंबई में अब ये कभी कदम नहीं रख सकता, तड़ी पार हो चुका है ये। वो पिक्चर्स निकाल कर दोगे या नहीं? जवाब दो, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि ये डमी कैमरा है, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? हंस क्यों रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम लोग? Do I look crazy? You guys are crazy. कभी अपनी शक्ल देखी है? कितना अच्छा बोल रही थी, बोलो ना, कंटिन्यू। तुम लोग मुझे इस तरह से परेशान करना बंद कर दो, समझे? I'm done with you. अब ये सब करना बंद कर। बड़ी प्यारी लगती है ना ये। चाय में थोड़ी चीनी कम है, आप कंटिन्यू करो मैडम। मैं तो, तुम लोग क्या हुआ? स्पीक बेबी, एक मिनट। अब जब बकबक बंद हो ही गई है तो कैमरे पे नजर मारता हूं। ये तो सच में डमी कैमरा है यार। सॉरी, ये वो कैमरा नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ये वही कैमरा है। नो इट्स नॉट। जहां तक मुझे याद है उसमें फ्लैश होना चाहिए। अरे डमी कैमरा में फ्लैश कैसे होगा? दैट इज अ पॉइंट। असली कैमरे में फ्लैश होता है, तो डमी कैमरे का कोई चांस नहीं है। तो मेरे फोटोज मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अरे मैं वो फोटो नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मामले में ना घुसने से पहले ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मैं भी बहुत छोटा था। हाँ हाँ, मुझे याद है, उस बच्चे के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। क्या मुसीबत है। देखो लड़की, तुम वापस टांग अड़ा रही हो। ओके फाइन, आई एम सॉरी। वो फोटो मुझसे कहीं खो गई होगी, इस बात को लेकर मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा है। प्लीज वेट मैडम, आई एम थिंकिंग। प्लीज। अरे दिनेश, तूने कभी रमान होटल की फिश ट्राई की है क्या? क्योंकि मुझे करने की जरूरत नहीं है, उड़ीपी की सबसे बेस्ट टेस्ट है। आई ट्राई माय बेस्ट डार्लिंग।
क्या तुम ही मुझसे यहाँ पर मिलने आई हो? हाँ, आप रिची के पापा है ना? हाँ। क्या आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। श्योर। वैसे तुम रिची को कैसे जानती हो? हम बहुत बार मिल चुके हैं, बट दिस इज नॉट पर्सनल। आई एम ए जर्नलिस्ट। मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ एक हादसे के बारे में, सो यू नो। यस, आई अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट माइंड देन क्यों ना हम मेरे ऑफिस में बैठ के बात करें। श्योर श्योर। मैं बचपन में काफी बार यहाँ आया करती थी। रियली? जी, मेरे मम्मी पापा वेकेशंस में मुझे यहीं पर ले आया करते थे। आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू लाइक दिस। नो नो, इट्स ओके। सो टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? आप पिछली बार अपने बेटे से कब मिले थे? वो उस घटना से एक दिन पहले मुझसे मिला था। मैंने ये सुना है कि 3 दिन पहले तुमने निक्सन की नाक तोड़ दी। ऐसा क्यों किया? अरे डैड, क्या बकवास है ये? ये निक्सन कौन है? इन 3 दिनों में ना जाने में कितनों से लड़ा और कितनों की नाक तोड़ी है। इट इज माय बिजनेस। रिची, मैं मिस्टर गोंजाल्विस के बेटे की बात कर रहा हूं। मिस्टर गोंजाल्विस कल शाम को चर्च में आए थे। मैं चर्च में लोगों के लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूं जबकि मेरा खुद का ही बेटा। आपका खुद का बेटा? आपको मिस्टर गोंजाल्विस से पूछना चाहिए कि मैंने उसके बेटे को क्यों मारा। एंड बाय द वे, मैंने उसके नाक पर नहीं मारा, वो तो भाग गया इससे पहले कि मैं उसे मारता। रिची, तुम ये सब क्यों करते हो? ओहो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करता। आप ही मुझसे उल्टे सीधे सवाल करते हैं। अब सवाल खत्म हो गए होंगे तो मैं जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। रिची, मुझे परेशान मत कीजिए, मेरे पास बहुत काम है। मैं जीसस, पीस बी अपॉन हिम, ब्लेस यू एंड मिस्टर गोंजाल्विस, सिवाय इनके बेटे के। दैट वॉज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम। मुझे परेशान मत कीजिए, बहुत काम है मुझे। मैं जीसस, पीस बी अपॉन हिम, ब्लेस यू एंड मिस्टर गोंजाल्विस, सिवाय इनके बेटे के। निक्सन कहाँ मिलेगा? क्यों? हमें काम है। क्या काम है? उसकी नाक तोड़नी है। ए रिची, छोड़ यार उसे। जरा चुप रहोगे? हेलो दोस्त, तेरा बाप हर जगह ये बोल रहा है कि मैंने तेरा नाक तोड़ा। ओ, तेरी नाक तो सही है बे। जरा इधर। अब ये सही लग रहा है। सारे गांव को जब पता चलेगा कि तेरी नाक को कुछ नहीं हुआ है तो मेरे लिए शर्मनाक बात होगी ना। अगर रिची ने नाक तोड़ी है तो लगना चाहिए कि नाक तोड़ी है। नो हार्ड फीलिंग्स यार, प्योरली प्रोफेशनल। क्या हुआ? मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूं, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैच थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा। तुम दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हो? तुमको भी डोज दूं क्या? ए लवर बॉय, कितना माल लूं? फिलहाल के लिए 1 कैरेट ले ले। तेरी तो क्या ये सब? क्या हुआ? चुपचाप काम कर रहा था, उंगली क्यों किया? यार इसकी प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आती। क्या हुआ तुझे? मुझे असली नाम से बुलाया करो। ये लवर बॉय शबर बॉय क्या है? सारा गांव भी तो तुझे इसी नाम से बुलाता है। मुझे वो सब पसंद नहीं है, मेरे नाम से बुलाओ। अरे ठीक है यार, डेमोक्रेसी किधर है? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? एक छोटे बच्चे को वहाँ उस अंधेरे में अकेले छोड़कर चले आए। ए डेमोक्रेसी, इधर आ। क्यों?
अरे छोटा सा काम है, भेजना उसे। ए, उन लोगों से ज्यादा बकवास मत करना, जल्दी आना, समझा कि नहीं? जा। ए, तुमने एक बच्चे को बियर लाने के लिए भेज दिया, इससे तो क्रेड भी नहीं उठेगा। रेबन है क्या? तुमसे पूछ रहा है, तुम्हारी ग्लासेस रेबन की है क्या? हाँ है, कई को? ओरिजिनल है? हाँ। आपके पास एक दो और है क्या? तो एक मुझे दे दो ना। तुझे किस लिए चाहिए? पहनने के लिए। नाम क्या है बेटा? सतीश। स्कूल नहीं जाता क्या? छुट्टियों में जाता हूँ ना, खेलने के लिए। पूछो तो इसने क्या पढ़ा, क्या पढ़ाई की है? डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ये क्या है? यही वो आखिरी लाइन है जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी। वो भी बता दे जो स्कूल में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। सिगरेट नहीं, बीड़ी थी। अच्छा बीड़ी थी, बीड़ी थी तो अच्छा है। ए, डेमोक्रेसी, इधर आ। ठीक है मैं चलता हूँ। ए इधर आ। थैंक्स। ये बच्चा कौन है? ये वासु का लड़का है, लेकिन ये हमेशा से मुन्ना के साथ ही रहता है। अच्छा ये बता, हम लोग जा कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर अ राइड मैन, व्हाट डू यू से? ए रिची, क्या था ये? क्या हुआ? तुझे अभी ये माल कहां से मिला? ये लोग इतनी रात तक क्यों जाग रहे हैं? कल शेर का खेल होने वाला है, उसी का मेकअप कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी एकदम मारने दे। वो जो फेंका है ना, उसे उठा ले। तू क्या पूरा पीने वाला है क्या? वो शंकर भाई की जो पूजा है वो कब है? ओ, आज ही है यार, मेरे दिमाग से निकल गया। ओ, ठीक है, टाइम कितना हुआ? 11 बज गए हैं। ज्यादा लेट नहीं हुआ, चलो चलते हैं। इसका क्या करें? साला गधा पी के टाइट पड़ा है, पूरा टल्ली हो गया है। इसको साथ में नहीं लेते, अपन चलते हैं। ठीक है, जरा रुक तो एक मिनट, एक दम तो मारने दे यार। कितना सिगरेट पिएगा? हाँ। चल। मुझे नहीं लगता ये नाटक पूरी रात चलने वाला है। नहीं लगता तो नहीं, शायद बारिश होगी। शंकर भाई के साथ ही रात बितानी होगी। तू चला गया, मैं अभी आता हूँ। क्यों कलाकार महाशय, एक हाथ में तलवार एक हाथ में बंदूक, गांव को लूटने का इरादा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, कितनी देर तक आप इन दोनों को कमर से लटका के रखोगे? अपने अंदर की आग को जुबान से निकालने शुरू करो, वरना आप अंदर के अंदर ही जल जाओगे, समझे? आप जानने के लिए इच्छुक हो कि आगे क्या हुआ? हाँ। तो सुनो। हाँ, बोलो। जब कुछ सौदागर मेलपे के समुद्र के जरिए बाहर जा रहे थे, तब एक बड़ा सा तूफान। शंकर, नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। इतना भयानक था कि उसने जहाज को, और जब जहाज डूबने लगा उस वक्त वहाँ समुद्र के किनारे माधवाचार्य जी तपस्या कर रहे थे।
तब उन्होंने अपनी शक्तियों से डूबते हुए जहाज को बचाया। माधवाचार्य जी की इन अद्भुत शक्तियों को देखकर सारे लोग अचंभित रह गए। माधवाचार्य जी की शक्तियों की फुर्सत मिल गई तुझे आने की, उनकी इज्जत करने लगे। जहाज के लोगों ने माधवाचार्य जी को बहुत सारी भेंट दी, समझे, क्योंकि उनकी वजह से सभी सौदागरों के प्राण बचे और उनका सामान भी बच गया, जानते हैं आप। अरे सुन, अगर माधवाचार्य जी नहीं होते तो जहाज डूब गई होती, कोई नहीं बच पाता। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे बड़े ध्यान से सुनना, बड़े महत्व की है ये कहानी। अगर माधवाचार्य जी ने बताओ उस रात अगर जहाज में अच्छे से ढूंढा होता तो और भी मूर्तियां उन्हें वहां पर मिली होती। बाद में वापस उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने पाया कि भगवान कृष्ण और बलराम की मूर्तियां चंदन के बक्से में पड़ी थी। अरे वाह, बालू को जानते हो क्या? जानता हूँ। अभी कहाँ मिलेगा? अभी तो वो शायद घर पे ही होना चाहिए। तो ठीक है, चलो। आज रात नहीं, कल सुबह ये काम करना, हम बाद में बात करते हैं। मैंने मुन्ना को बुलाने के लिए कहा था, आ गया वो? उसे बोल दिया है, वो यहाँ पर जल्दी आ जाएगा। तुम आजकल इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? पहले से 140 बोट्स हैं, ऊपर से बहुत सी डीलिंग्स हैं। और ये दोनों तुम्हारे साथ क्यों रहते हैं? ये पैसों की बात नहीं है, भरोसे की बात है। अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो दूसरे इस मौके का फायदा उठाएंगे। वो मैं संभाल लूंगा। कहीं किसी को जान से मत मारना, यही कहना है तुमसे। क्या हुआ, जोक है क्या? अगर रिची को घास काटने के लिए भेजा ना तो वो पूरा जंगल काट कर आएगा। भाई कल तो रिची ने एक आदमी की नाक ही तोड़ डाली। अबे अपना मुंह बंद कर, रात की पी हुई अब तक उतरी नहीं। क्या, यहाँ आओ। भाई मुन्ना आ गया। बिठाओ उसे, मेरी बात सुनो। हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो, समझ गए? चलो आओ। सिगार है क्या? ये कोई भी इसे सिगार नहीं देगा। शंकर भाई को पता चला तो हमारी खैर नहीं। किसी को पता नहीं चलेगा, तुम दो ना। तेरा हर दिन का यही नाटक है। ए मुन्ना इधर आओ। तो यहीं रुक, मैं अभी आता हूं। ठीक है, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं गाड़ी के साथ किसी को भेजता हूं, बाद में तुम्हें वो उस जगह ले जाएगा। पहले तुम्हें बालू को ढूंढना होगा। ठीक है। शेर का नाच करने वाले ग्रुप में बालू भी है। चल बे। ए सुधी, पिछली रात बालू मालपे की एक स्कूल में था, मैंने देखा। और अभी वो कार स्ट्रीट के लिए निकल गया होगा। ये सुधी भी ना दूसरों के सामने बहुत बोलता है। ए, मैंने क्या किया यार? चुपचाप बैठ, ज्यादा सफाई मत दे। अरे हम जा कहाँ रहे हैं? तेरे बाप के घर पे। जन्माष्टमी के पावन त्योहार पर आप सभी भक्त जनों का उडुपी में हार्दिक स्वागत है। सभी लोगों से निवेदन है कि बच्चों को संभालें, औरतों से निवेदन है
कि वो अपनी कीमती चीजें संभाले। इस उत्सव में भीड़ बहुत ज्यादा है, सभी अपने बच्चों को संभाल कर रखें और औरतें अपने गहने संभाल कर रखें। मैंने फोटो क्लिक कर ली है, चेंज नहीं है, आपस में बांट लेना। थैंक यू। ए, बता इन पैसों में हमारा हिस्सा क्या होगा? अगर समझो हमारे पास 100 रुपए है तो हर एक को कितना मिलेगा? हमें डिवाइड करना होगा या मल्टीप्लाई? मुझे लगता है हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तुम सारे गधे हो, मुझे लगता है हमें डिवाइड करना होगा। तो फिर बताओ 100 के 4 हिस्से करने हो तो कितना निकलेगा? एक काम करते हैं, जाकर 4 आइसक्रीम खरीदते हैं, फिर हमें छुट्टे पैसे मिल जाएंगे, वो हम आपस में बांट लेंगे, क्या कहते हो? ठीक है ठीक है, मुझे येलो वाली आइसक्रीम चाहिए। ए डेमोक्रेसी, इधर आ। तुम सब जाकर लाइन में खड़े हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। अच्छे पैसे मिल रहे हैं। ये तो अच्छा काम है ना, लोग सिर्फ खड़े होने के ही पैसे दे देते हैं। ले बस इतना ही? उस लड़की ने तो 100 रुपए दिए थे। रिची, कैमरा है क्या? ओ नहीं, शायद वो नहीं है। तुम जरा साइड हो जाओगे, मुझे फोटो क्लिक करनी है। मेरे निकालोगी? नो थैंक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 15 साल पहले तो मुझ में काफी इंटरेस्ट था। नेक्स्ट टाइम जब पुलिस पीछे होगी ना, तब इंटरेस्ट होगा मुझे। शायद वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। ओके गुड। जब फोटोज को डेवलप करती नहीं है तो फोटोज निकालने का फायदा क्या है? तुम्हें कैसे पता कि मैं ये फोटोज डेवलप नहीं करूंगी? करती हो क्या? ऑफ कोर्स। तो फिर मुझे भी दे दो ना फोटो। उस फोटो के पीछे तुम इतने पागल क्यों हो? वेल मैडम, बचपन की कोई भी फोटो मेरे पास नहीं है और मेरी जिंदगी के काफी अहम पल आपके कैमरे में कैद है, तो इतनी आसानी से नहीं भूल सकता ना। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे पास कोई। ओ ओ ओ, आई विल हैव टू टेक अ लीव नाउ, बट नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो फोटो पक्का लेके आना। मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, आई एम श्योर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स मिल जाएंगे। क्या करें, लेकर चले इनसे? इस बार नहीं डालेंगे, अगली बार। जब पुलिस कभी मेरे बारे में पूछे ना तो फोटोज दिखा देना। कहाँ है बे वो? जोड़ रास्ते पर, जंक्शन के पास। दिनेश भैया कहाँ जा रहे हो? जोड़ रास्ते। रेस लगाओगे क्या? चलो देखते हैं कितनी दूर तक चलोगे। चलो चलो जल्दी 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 चल। जल्दी करना, जल्दी जल्दी। काई को रुक गए, चलो एक बार और करते हैं। बजाओ रे।
साला नाच नाच के छाती फूल गई, प्रैक्टिस छूट गई ना। सिगरेट दे रहे? चलो एक और करते हैं। यही हमारा शेर है ना, आज से हमें किसी भी गलत शेर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अरे वाह, लगता है शेर मर गया। ये शेर इतनी आसानी से नहीं मरेगा, इसे उठने में 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। चलो एक बार और नाचते हैं, तब तक ये शेर भी उठ जाएगा। चलो चलो शुरू करो। रघु शहर में आ गए, और हाँ शंकर भाई ने तुम्हें लेने के लिए भेजा। ए सुधी, शेर को ऑटो में हार्बर तक लेके जाना, मैं वहीं मिलता हूँ। चलता हूँ। पाने गया। मेरे साथ चल। तुम सब कहां जा रहे हो? तेरे बाप के घर पे। बोला था ना बकवास मत कर। पकड़ने के लिए बोला था, पहनने के लिए नहीं। कहां जाना? टू मीट एन ओल्ड फ्रेंड। इसे पकड़, मैं आता पक्का यहीं पे रहता है ना? हाँ शंकर भाई ने तो यही बताया था। नो रिस्पॉन्स। भाई अपनी गाड़ी यहां से हटाएंगे, हमें यहां से ट्रक निकालना है। किसकी ट्रक है? ए, जाके चार खींच के लगा। जाना, तुझे लगता है ये मार पाएगा? एक काम कर, तू जाके उसको बजा। रिची, मारने के बाद गाड़ी साइड में लगा देना। फटा पोस्टर निकला हीरो। योर अटेंशन प्लीज। तुम मुझसे पूछ सकते हो ये क्यूबन बच्चा कहां से आया? हियर वी मीट वंस अगेन। डाउन 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 डाउन। नाउ यू मे आस्क मी, ये क्यूबन किड कौन है? दरअसल एक छोटी सी कहानी है उसके पीछे। जब मैं बॉम्बे के रिमांड होम में था तो वहां एक लेजेंड था, द लेजेंड ऑफ टू किड्स।
काफी सालों पहले की रिमांड होम के दो बच्चों की यह कहानी है। कुछ लोग इसे छलावा कहते हैं और कुछ मेरे जैसे लोग इसे सच्ची कहानी बताते हैं। ये टेलीफोन बहुत ज्यादा ही बज रहा है ना, डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ इट। एनीवेज कहानी पर चलते हैं। तो दो बच्चे, एक होता है क्यूबा देश का और दूसरा होता है महाराष्ट्र से, मेरा मतलब समझो कि मांडवा से। और क्या टाइमिंग है। इजी मैन, टेंशन मत ले, अपना ही दोस्त है। तो हम कहाँ थे? हाँ, टू किड्स एंटोनियो मोंटानो और एक नाम भी था ना, विजय। हाँ, विजय दीनानाथ चौहान। वांट टू स्मोक? ओके। ये रिमांड होम में सारे लोग सुबह सुबह कैंटीन में नाश्ते के लिए इकट्ठा होते हैं। जब भी एक क्यूबन लड़का मांडवा के लड़के को देखता है तो हंसते हंसते स्पेनिश भाषा में गुड मॉर्निंग बोलता है, पर मांडवा के लड़के को लगता है कि वो गाली दे रहा है। यह हमेशा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब तू ही बता, अगर तू उस जगह पे होता तो कब तक यह बर्दाश्त करता रहता? फिर एक दिन मांडवा के लड़के ने उस क्यूबन लड़के को जमीन पर पटका और एकदम मस्त धोया उसको, धान धान धान, और तब तक मारा जब तक उसकी बैंड नहीं बच जाती। अबे तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जाके घर की तलाशी ले जा। ठीक है, तो बाद में इन दोनों बच्चों को वार्डन के पास लेकर गए। मांडवा के बच्चे को पूछा गया कि तुमने इसे क्यों मारा, तो मांडवा के बच्चे ने सब बता दिया। बाद में वार्डन ने क्यूबन बच्चे से भी पूछा कि क्यों तू इसको गाली देता है, तो क्यूबन बच्चे ने वार्डन को बताया कि वो गाली नहीं बल्कि वो उसे विश करता था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। ए कॉन्सेंट्रेट, नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट। वार्डन ने बाद में नोटिस किया कि ये क्यूबन बच्चा हमेशा हर रोज मांडवा के बच्चे को ही विश करता है। गुड मॉर्निंग, वी मीट वंस अगेन, क्यूबन तरीके से ये विश करने का स्टाइल है। फिर मांडवा के बच्चे को अफसोस हुआ और बाद में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। चलिए तो कहानी हो गई, पर असल बात वो नहीं है। मेरा पॉइंट एक्चुअली ये है, जब मांडवा का बच्चा क्यूबन बच्चे को मारता है तो क्यूबन बच्चे के दिल पे क्या गुजरती है, और उसी समय क्यूबन बच्चे के दिमाग में क्या चलता है। मतलब अपने आप को उसकी जगह पे रखो, तो तुम उस बच्चे से मार खा रहे हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम मार क्यों खा रहे हो, तब तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा। फुल कंफ्यूजन लगता है ना, तू कंफ्यूज्ड हो गया क्या? तेरे पास बैग है, अगर तूने वापस नहीं किया तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। मेरे पास कोई बैग नहीं है। ऐसा क्या? अगर तूने वापस नहीं दिया तो वो तो मैं हासिल कर ही लूंगा। मेरा यकीन करो, मेरे पास सच में कोई बैग नहीं है। सच में? ठीक है, बैग हम ढूंढ लेते हैं और उसके बाद आई विल शूट यू। मिल गया। गुड, चल अब शूट करता हूं। लेकिन ये बैग तो खाली है। हाँ? खाली है क्या? कुछ तो जरूर होगा बैग में, जरा ढूंढ के आया बैग में। ठीक है, बैग में क्या है वो देख लेते हैं, लेकिन तुझे मारने के बाद सबसे पहले तुझे शूट करूंगा। लेकिन शूट करने से पहले मैं तुझे बताना चाहता हूं कि बच्चों की कहानी क्यों बताई। पता नहीं। पता नहीं? शुरू कहां से हुआ था? कम ऑन, डोंट स्पॉइल इट नाउ। जब मैंने वहां से एंट्री मारी तो मैंने तुझे क्या बोला था? योर अटेंशन प्लीज। उसके बाद कम ऑन, जल्दी बता यार, गूंगा हो गया क्या?
क्या बोला था मैंने बाद में? We meet once again. मतलब हम दोबारा मिल रहे हैं. सही कहा. तो मेरे भाई अभी हम दोबारा मिल रहे हैं. 15 साल बाद हम वापस मिल रहे हैं. अब सोच क्या रहा है? रिची. ओ याद है, रिची नाम याद है. सच में तेरी तो. इसका थोपड़ा देख, कैसा देखने लायक लग रहा है. शर्म से पानी पानी हो गया साला. सो रिची अभी तुझे याद है? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं. हाँ तो अबे चुबे साले कमीने, 15 साल बाद तू उड़ीपी में वापस आया है तो मुझे बता नहीं सकता था कि तू वापस आया है. ऐसी बात नहीं है, मैं तुझसे मिलने ही वाला था पर वो. मैंने सुना कि तू कल रात माँ से मिलने गया था. हाँ तुम्हें कैसे पता? अपने साथ दुबई लेके जाएगा क्या? साथ में मुझे भी ले जाएगा ना. ठीक है ये बैग ले और तू मेरे साथ चल रहा है. नहीं वो मैंने माँ से वादे किए थे कि रात को मैं उनके साथ खाना खाऊंगा. रात को ना, शाम तक घर छोड़ दूंगा. चल अरे चलना, चल चल इसको ले गया. दरवाजा तोड़ने के लिए सॉरी. हाँ और मेरा रास्ते में एक छोटा सा काम है. इफ यू डोंट माइंड तो समंदर की हवा खा और मजा ले. मैं काम करके मिलता हूँ. ये सुधी बोट तो रोक. क्यों बे साले, शंकर भाई का पैसा चाहिए क्या? अबे रोता क्यों है, शेर है ना. इंसान का लालच जब बढ़ता है ना तो वो अपनों को भी बेच खाता है. साला धोखेबाज. एक काम कर, एक बार शेर की तरह चिल्ला. अबे ये तो कुत्ते के रोने की आवाज है. शेर की तरह दहाड़. सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से. ठीक से नहीं चिल्लाया तो मार डालूंगा साले. चल दहाड़. बोल. नहीं नहीं ये शेर की दहाड़ नहीं है, ये तो कुत्ते का भौंकना है. बस हो गया, सारी चीजें कंट्रोल में है ना. छोटी सी एक बात, नहीं हमारे शेर को इतना काफी नहीं है. हमारे शेर को अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाने होंगे. बहुत कंफ्यूज है क्या? नहीं नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. हमारा शेर तब भी कंफ्यूज नहीं होता जब उसको पता चलता है कि मैं उसका मर्डर करने वाला हूं. ये वही घर है. शैलेश इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, मेरा एक दोस्त आने वाला है, उसी का इंतजार कर रहा हूँ. हाँ.
मेरी चचेरी बहन का भी यही हाल है, तकलीफ कमी नहीं होती। रत्ना दीदी मछली कितने की दी? 180 में दोगी? मैंने ही 200 रुपए में ली है। तो 190 में दोगी? अरे मैंने 200 में ली है तो कम में कैसे दूं? और उसका जो बड़ा भाई है हमेशा नशे में धुत ही रहता है। रत्ना दीदी 190 ही दूंगी, मैं यहाँ चने नहीं बेच रही। दीदी ये कान की बाली नहीं ली है क्या? तीन सौ 375 की दी है ये मछली। ये ताजा तो नहीं लग रही। हमें 340 में मिल गई होती, ये माने तो ना। मैंने तो इसे इशारा भी किया था, पर ये किसी की सुनती कहाँ है। मुझे क्या पता था कि समंदर में से बोट देर से आएगी। कल भाजी लेते समय मोल भाव किया था ना। लो इसे क्या हुआ है? नया धंधा है ना, तो जोश भी नया है, पर धीरे धीरे समझ जाएगी। हे अनीता, टोकरी में कितनी मछली बची है? अरे बता तो कितने की दे रही है। अरे क्या दीदी, तुमने मेरी गिनती भुला दी। अरे लेकिन गिन क्यों रही थी? क्यों हिस्सा नहीं चाहिए क्या? किसने कहा था हम गिन कर हिस्सा करते हैं? गधी की गधी रहेगी, चल हट। बढ़िया ही हिस्सा करने वाली। अरे रत्ना, धंधा अच्छा चल रहा है ना? ठीक ही है, मछली चाहिए क्या? क्या क्या है? सुरमई है, पापलेट है। हलवा नहीं है क्या? नहीं हलवा नहीं है। बॉम्बिल चाहिए क्या? ये बताओ पापलेट कितने की है? क्या भैया हमेशा की तरह 30 की 5 ले लो। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगी है, घर पर पता चला तो बीवी बहुत मारेगी। अभी जाओ कल देखता हूँ। कल हलवा लेकर आते हैं। मेम साहब 4 मच्छी बची हैं, सिर्फ यही बची हैं। 10 रुपए ज्यादा दे देना। मेरे घर पर सिर्फ 4 लोग रहते हैं, मैंने पहले ही ज्यादा ले लिया है, और बच्चे तो पापलेट खाते ही नहीं हैं। अब मैं इन्हें कहाँ बेचूं? अरे रत्ना दीदी, तुम किसी लड़की को जानती हो जो मछली बेचती है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है? कौन? शारदा ना? हाँ वही। अच्छा ये बताओ वो लड़का जो बाइक से उसका पीछा करता है वो कौन है? अच्छा वो लड़का, दरअसल वो इस गांव का नहीं है, पहाड़ी के उस तरफ रहता है। सुनने में आया है कि वो लड़का डॉक में काम करता है। उस लड़की का पीछा करना उसका रोज का ही काम है। दीदी आपको सर चाहिए या बाहर फेंक दूं? नहीं नहीं, हम इसे कोई भी मछली का सर नहीं खाता, बाहर कुत्ते को खिला देते हैं। रत्ना दीदी आज काम जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे जल्दी कहाँ, पहले ही अंधेरा हो चुका है। जाइए जाइए। चलो चलो चलो। दीदी कोई मछली बची है क्या? नहीं सब खत्म हो गई। सोच रहा था मिल जाती तो घर पे लेके जाता। लीजिए। सारे जहानों की खुशियाँ मिली थी पर अब तो वो मिल ना सकी। राहों में चलता था, आकाश में उड़ता था, मैं तो पंछी बन के यहाँ बन जा रहा सा, मैं बन तो गया हूँ जियो। तुम मेरी माता हो, मैं तेरा बेटा हूँ।
उसके बाद मेरी घर आने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुम्हारे पिताजी सिर्फ एक बार मरने से पहले तुम्हें एक बार देखना चाहते थे। छह, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, तुम्हें पूछा भी नहीं कि खाना खाओगे या नहीं। मैं लाती हूँ। हाँ नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें मच्छी करी पसंद है, मैं जल्दी बना दूंगी, थोड़ा सा खाकर जाना। ओहो, घर पर मच्छी ही नहीं है। एक काम करो, यही रुको, मैं बगल से लेकर आती हूँ। माँ मुझे जाना है, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। 15 साल के बाद तुम घर आए हो बेटा, अब वापस जाने की बात मत करो। तुम मेरे साथ चलोगी ना? तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? मैं परसों दुबई जा रहा हूँ, तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, तुम साथ चलोगी ना? दुबई? हाँ, हम वहाँ अपना घर बनाएंगे। तुम सच कह रहे हो बेटा? तुम सच में मुझे लेकर जाओगे? तो फिर मैं परसों ही तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। नहीं मैं, उसके लिए सबसे पहले तुम्हारा पासपोर्ट रेडी करना होगा, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और मैं इतने दिन यहाँ नहीं रुक सकता। माँ ये पैसे रख लो, मेरा एक दोस्त तुम्हें बेंगलोर लेके जाएगा और वहीं पासपोर्ट का काम पूरा होगा। एक बार पासपोर्ट बन गया उसके बाद मैं दुबई से तुम्हारी टिकट भेज दूंगा, वो तुम्हें दुबई तक छोड़ने आएगा। तुम मुझे आकर क्यों नहीं ले जा सकते? वो मैं नहीं बता सकता माँ। ठीक है, अब काफी देर हो गई है, मुझे जाना होगा। कम से कम आज रात तो रुक जाता, मेरे हाथ का खाना तो खा कर जाता। मुझे पता नहीं कि मैं दोबारा तुम्हें फिर से कब देख सकूंगी। ठीक है माँ, कल रात मैं खाना खाने आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद की मच्छी करी बनाऊंगी, ठीक है ना? तुम्हारे हाथों का बना खाना खाए कितने दिन हो गए हैं। ठीक है, मैं कल आता हूँ।
ये क्या रत्ता दीदी, टोकरी कहाँ है? तबीयत तो ठीक है ना? मेरा बेटा वापस आ गया है। क्या? मेरा बेटा वापस आ गया है। अच्छा, जो 15 साल पहले भागकर चला गया था वो वापस आ गया? कहाँ रहता है वो? मुंबई। 15 साल से वो वहाँ कर क्या रहा था? होटल में काम कर रहा था। ओह, काफी पैसे कमाए होंगे। मुझे दुबई लेकर जाने वाला है। दुबई में? लगता है अब से रत्ना दीदी हमारे साथ नहीं आएंगी। कब जाने वाली हो तुम दुबई? 1 महीने के बाद। पहले पासपोर्ट तैयार करना है। पासपोर्ट तैयार होने में 1 महीना लग जाएगा। बेटे के लिए मच्छी करी बना रही हो? उसे पापलेट की करी बहुत पसंद है। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। रत्ना दीदी, दुबई जाने के बाद हमें भूल मत जाना। ए, मैं कल ही नहीं जा रही हूँ, कितना ड्रामा करती है। चलती हूँ, कल मिलते हैं। क्या रत्ना दीदी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? बेटा आया हुआ है। बेटा? वही जो 15 साल पहले भाग गया था? वही? हाँ हाँ वही। कहाँ था अब तक? वो बहुत बड़ी कहानी है, बाद में बताऊंगी, मुझे देर हो रही है, चलती हूँ। अच्छा दीदी। मैं जल्दी दुबई जाने वाली हूँ। हाँ। कितना परिश्रम करती है माता, बच्चों को तू खुश रखती है। ये दर दर की ठोकर वो तो खाती है, फिर भी बच्चों को दुख नहीं देती है। बेबी, बेबी, मेरा बेटा वापस आ गया है। सच में? हाँ, सच में वापस आ गया है। सच में? कहाँ है वो? अरे, वो तो कल रात को ही आया था, लेकिन जल्दी चला गया। आज रात खाने के लिए आ रहा है। कहाँ था वो इतने सालों से? वो मुझे दुबई लेकर जाने वाला है, मेरा पासपोर्ट भी बनवा रहा है। क्या कहा? दुबई जाओगी? मुझे देर हो रही है, मछली करी बनानी है, अब मैं चलती हूँ, बाद में बात करते हैं। बेटे के लिए वो मच्छी बनाती, प्रेम से खिलाती और खुश हो जाती। बेटा ने जो भी चाहा है वो माँ पूरा ही करती, सब उसकी बातें। माँ तू हमेशा खुश ही रहो, दुख तुझको कभी भी छू ना सके। अपना तू हरदम ध्यान रखो, तुम खुश रहो तो मैं भी खुश रहूंगा रे। कितनी भी चाहूं मैं ऋण ना चुका पाऊं माँ तेरा। बेटा हूँ माँ तेरा, तू मेरी माता है ओ माँ। रात तकती है जब भी तुझे आहट होती है, मैं जब न आता हूँ तो मुझको याद करती हो। इतनी भी दूरी अच्छी नहीं है, मैं जल्दी आऊँगा ओ मेरी माँ, जल्दी मैं आऊँगा तेरे ही पास माँ। तेरे बिन दिल मेरा ना ही लगे ओ मेरी प्यारी माँ, तुम तो भोली माँ ओ माँ। तुमसे मेरा है माँ हर जन्म का नाता ओ माँ।
टूल किट दो जल्दी। अब स्पेयर पार्ट दो। ए, ये स्पेयर पार्ट है, इसे ऐसे नीचे मत फेंक। हाँ पता है मैं कोई नया नहीं हूँ जो मुझे ऐसे समझा रहे हो। ए, एक दूंगा ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा, बहुत चिल्ला रहा। जरा एक मिनट रुक, पानी का बोतल। अरे मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे अंधेरे में डर लगता है। अरे मुझे सुन रहे हो ना, मुझे भी ले चलो। मुझे लगा कि तू बहुत हिम्मत वाला है। अंदर जाके देखो कितना अंधेरा है, अगर अंधेरे में कोई भूत वूत आ गया तो मुझे आकर पकड़ कर ले जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा। हे, ज्यादा बकवास करेगा तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। पहले तुम जाओ। आजा। तुम्हारे पास दो है क्या? मुझे एक दे दो ना। क्या? हे, मेरे कूलिंग ग्लास को हाथ मत लगाना, रखो से। तुम दो ग्लासेस का क्या करोगे? मैं उसे हर दूसरे दिन पहनता रहता हूँ, समझा? तुम एक कूलिंग ग्लास नहीं पहन सकते क्या? तुझे क्या करना, तू अपना काम कर। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हे, तोड़ेगा क्या? ला दे। ओरिजिनल रेबैन है, पता है कितना महंगा है? ए, मेरा हाथ नहीं पोछ रहा है, आके मदद कर। किसी काम की नहीं हो। ए, लवर भाई। तेरे तो, कौन है वहां? कितनी बार बोला है कि नाम लेके पकड़ कर, मार छोड़ूंगा नहीं इसे आज। ए, मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हो? कौन है बे? क्या हुआ? मैं शांति से यहाँ काम कर रहा हूँ, बीच में आके उंगली क्यों करते हो? ठीक है, डेमोक्रेसी कहाँ है? हे, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मुझे अंधेरे में अकेले छोड़कर आ गए, कितना डर लग रहा था पता है? हे डेमोक्रेसी, इधर आ। किस लिए? अरे उससे एक छोटा सा काम है, भेजना। ए, उनके साथ बैठ के बकवास मत करते रहना, जल्दी वापस आ जाना। चल जा। इनको एक न एक दिन सबक सिखा के रहूंगा मैं। बेकार लौंडे, सिर्फ लोगों का टाइम बर्बाद करते हैं। बच्चे से दारू का कैरेट मंगा रहा है, बेशरम कहीं के, शर्म भी नहीं आती उनको। डेमोक्रेसी, चल चलते। क्या ये? मछली। लेकिन तूने क्यों ली? अरे वाटर टैंक में रखने के लिए। अबे मरी हुई मछली है सर। ओ सच में? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी इसकी मच्छी करी खिलाऊंगा, मस्त मसाला डालकर। और तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, अगर कहोगे तो मैं एक्स्ट्रा मच्छी करी बना दूंगा मंडिया में पार्सल करने के लिए। एक दूंगा ना। उन लोगों ने तुम्हें वहां पर क्यों बुलाया था?
अच्छा वो उन लोगों को गांधी जी के थोड़े नियम सिखा रहा था। कौन से नियम? अरे वही, बुरा नहीं देखने का, बुरा नहीं बोलने का और बुरा नहीं सुनने का। फिर उन्होंने मुझे अपने लिए ड्रिंक लाने को कहा और मैं एक क्रेट लेकर भी आ गया। देखो उन्होंने मुझे 20 रुपए दिए। बेटा जरा उनसे दूरी रहा करो, वो सारे अच्छे लोग नहीं है और आइंदा उनसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है, समझा? अगर दोबारा लिया तो तेरे पापा को बोल दूंगा, बात करता हूँ आज तेरे पापा से। दूसरा मैं पहन सकता हूँ? मुंह बंद कर और गाड़ी पे बैठ। तो मुझे कल के लिए पेंट करोगे ना? पेंट किस लिए? कल जन्माष्टमी है और मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ और मुझे अपने दोस्तों से भी अच्छा दिखना है। पेंट करोगे ना? कौन सी मच्छी है तुम्हारे पास? पापलेट हलवा। हलवा ताजा है ना? हाँ खुद ही देख लीजिए। अरे उतरो ना, चलो उतरो। कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे स्कूल तक छोड़ देना। ए, मुझे घूर क्यों रहा है? चल निकल यहाँ से। अरे जा कहाँ ना? ए रुको रुको रुको, नीचे उतरो, पीछे बैठो। चलो चलो चलो, बैठ गए ना? हाँ। अच्छी सी गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? कितनी खटारा हो चुकी है। बस बस यही रोको, बस 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 यही रोको, बस। अरे वाह आ गए तुम। ठीक है, ये करुणाकरण लापता है, पता नहीं अब उसे कहाँ ढूंढे। तुम इसकी चिंता मत करो, कहीं ना कहीं मिल जाए। तुम्हें कुछ पता नहीं है, इससे पहले उसने कई बार धोखा दिया है। अच्छा हमारे पास कितने पेंटर लोग हैं? मुझे मिला के दो। दो? तुम हुए दो और मैं और नारायण मिला के हम हो गए चार। एक ही रात में हम चार लोग मिलके ये पेंटिंग कैसे खत्म कर सकते हैं? वैसे भी त्योहार का टाइम है, वरना मैं उसे बुलाता ही नहीं। अरे हाँ तुम भी तो बोर्ड पे पेंट करते हो। हे, मैंने कभी इंसानों को पेंट नहीं किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बार कोशिश करके तो देखो, तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। मान भी जाओ मना मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। कोशिश करके देख लो, पैसे तो तुम्हें यहाँ भी मिलेंगे। हाँ 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 मिलेंगे, पर ज्यादा नहीं, अब भगवान का काम है ना। चलो सिगरेट है आपके पास? हमारे पास तो नहीं है, आप बगल के रूम में देखिए। अरे दिनेश अंदर आ जाओ, वैसे तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें भी पेंटिंग करवानी है? शेर की, अभी तक तो मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए भाई। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि हमारे बुरे दिन आ गए? साल में सिर्फ एक ही बार होता है ये। ए बालू ठीक से खड़े रहना, देख नहीं रहा पेंटिंग कर रहा हूं। किसी के पास सिगरेट है क्या? बीड़ी चलेगी क्या? बीड़ी है? नहीं रहने दो। जग्गू बाहर ताश खेल रहा है,
मेरे ख्याल से उसके पास होगा। सच में? फिर तो समझो अपनी लॉटरी लगने वाली है। शंकर भाई के घर पे भी पूजा रखी है? हाँ जरूर होगी। कौन सा मेला? पैरादूरा मेला। हाँ हाँ। मुन्ना तू जाके सो जा, बाकी पेंटिंग हम कर लेंगे। हे, बाकी लोगों से बोल दे कि कॉटन दूसरे कमरे में है। शंकर भाई ने आपको बुलाया है। ए, किस लिए? मुझे नहीं पता। ये क्या कर रखा है तुम लोगों ने? आज मैं डॉक्टर बना हूँ, दवाई भी है, चाहिए क्या? और वो देखो पेपर डालने वाला लड़का। पेपर पेपर पेपर। और ये बांसुरी वाला, इसे कहते हैं विट्ठल पिंडी, कृष्ण भगवान के अलग अलग अवतार। शायद इसी में आपको कृष्ण भगवान दिख जाए। इन्हें कुछ चढ़ाओ ना। और ये, ए तू कौन है? मैं डॉक्टर हूँ। हे, तू डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मैं हूँ। देख मेरे पास दवाई भी है। तो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कभी ना खत्म होने वाली ताकत जिंदगी में नया जोश भर देगी। ये ले। आज दोपहर कार स्ट्रीट पर आने वाले हो क्या तुम? पता नहीं। तुम नहीं आओगे? अच्छी चीज क्यों देखोगे तुम भला? आ जाना, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ? थोड़ी देर इंतजार करो। ठीक है। बालू को जानते हो तुम? क्यों, क्या हुआ? काफी दिनों से वो काम पर नहीं आया है। तुमने उसे कहीं देखा क्या? शेर की पेंटिंग में था वो। कल जब तुम स्कूल आए थे ना, वहीं तो था वो। कमाल है वो भी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। शंकर भाई उसके ऊपर बहुत गुस्सा है। क्यों, काम पर नहीं आया इसलिए? उसके काम पर ना आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या किया उसने? कुछ नहीं यार। बात क्या है, मैं बात करूं क्या उससे? ए मुन्ना, इधर आना। ये रुकना, मैं वापस आता। ठीक है, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं गाड़ी के साथ किसी को भेजता हूं। बाद में तुम्हें वो उस जगह ले जाएगा, पहले तुम्हें बालू को ढूंढना होगा। ठीक है। मुन्ना, ये चाइना मेड मशीन है। ए सुधी, क्या छुपा रहे हो? पहले बीड़ी पीना तो अच्छी तरह से सीख ले। सुनो, उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, जरा उस पर नजर रखो। ठीक है भाई। मुन्ना जी, ये जो 98 नंबर की बोट है ना, काफी तकलीफ दे रही है। मैंने रिची को शाम को 4 बजे डॉक पर बुलाया है, अगर तुम्हें मौका मिले तो जरा उसे देख लेना। ठीक है भाई। ये चाइना मेड इंजन ठीक होते हैं क्या? बड़ा इंजन है, अच्छी लोड कैपेसिटी है, यहाँ मालपे में बहुत काम है। समझ गया। मैंने ऑर्डर किया है,
एक तो जल्दी ही आ जाएगी, अगर अच्छी लगी तो और ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, चलता हूँ भाई। ठीक है, जाओ। क्या हुआ? वो लोग बालू को ले गए हैं। कौन? रिची और उसके दोस्तों ने बालू को बहुत मारा, उसके सिर से बहुत खून आ रहा था। ये कब हुआ और कहाँ लेकर गए उसे? आज दोपहर को, पता नहीं कहाँ ले गए उसे। ए, ये कहाँ पर हुआ? जोड़ रास्ते। यहाँ दोपहर में झगड़ा हुआ था क्या? मुझे नहीं पता। जो लोग शेर का नाच कर रहे थे उनको आपने देखा क्या? हाँ, उन लोगों को मैंने बस स्टैंड की तरफ देखा था। बालू को देखा तुमने? नहीं भाई, नहीं देखा। अरे वो शेर बना हुआ था। शेर बना हुआ था? सुधी उसे रिक्शा पे लेके गया है। मुन्ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शंकर भाई ने इंजन रिपेयर करने के लिए कहा है। इंजन? कौन सा इंजन? अरे वही बोट नंबर 98 यार। अच्छा, 98 वाला। रिची सुबह ही तो वो बोट लेकर गया है, शायद वो मछली पकड़ने गए होंगे। ए मुन्ना, कहाँ भागे जा रहा है? तुम वापस क्या कर रहे हो? जाओ इंजन संभालो। ए दिनेश, देर हो रही है, चल। हाँ आ रहा हूँ। ए जल्दी कर, तुम्हें खून के धब्बे कहीं दिखाई दे रहे हैं? हाँ? नहीं भैया। नाच नाच के मैं भी बहुत थक गया हूँ। जरा सुधी को समझाओ ना, बहुत वक्त ले रहा है वो। सलाह है कहाँ पे वो? शंकर भाई के सामने उसकी जुबान बहुत चल रही है। ए सुधी, गाड़ी को चालू कर। लड़कियों के पीछे भागता है और कुछ नहीं। नहीं मैडम, आप इसे मेरे पास मत लाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। देखिए सर, सिर्फ 2 मिनट, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। नहीं नहीं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अरे मैडम, आप जितना परेशान कर रहे हो काफी नहीं है,
मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझे कैसे पता होगा ये सब। देखिए मुझे इस मामले में मत डालिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए मैं किसी को आपके बारे में नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। अरे बाप रे, भगवान के लिए आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं पहले ही काफी परेशान हूँ। पहले मुझे पुलिस आकर परेशान कर रही थी, बाद में लॉयर ने, ये काफी नहीं है कि आप ही परेशान करने के लिए आ गई मुझे। देखिए सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं, ये सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ए, 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 कौए, काले कौए कहीं के, सब तेरी वजह से हुआ है, तू ही कारण है इस सब के पीछे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। कहीं के जान से मार दूंगा तुझे, मार दूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। ए, क्या कर रहे हो यार, लड़की है वो, तुम उसे मना कैसे कर सकते हो? तुम्हारा एक इंटरव्यू लेना चाहती है, एक इंटरव्यू में तुम्हारा क्या चला जाएगा? ए, तू जाना अपना काम कर। अगर तुम्हें बात करने का शौक है तो तुम जाकर बात करो, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। ए, चल मेरे साथ। मुझे नहीं आना। चल ना। अरे छोड़, चल आजा। अरे उसने कहा है कि वो तुम्हारा नाम नहीं आने देगी इन सब। अगर मेरा नाम लेती है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। ठीक है बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए बाबू जरा स्टूल लेकर आओ, आइए आइए, आ जाइए अंदर, आ जाइए आइए। बैठ जाइए इस पर, आइए। अब आप इससे जो भी पूछिएगा ये उसका जवाब देगा। मुंह बंद करो, मैं कुछ नहीं बताने वाला, चुपचाप बैठो, बड़े आए बोलने वाले। तुम्हें वो कौवा दिखाई दे रहा है? इस कौवे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कौवा तब से मेरे पीछे पड़ा है जब से वो हादसा मेरे साथ हुआ है। कौन सा हादसा? क्या है वो? उसका नाम नहीं लेना है, उसे शनि शनि माना जाता है। उसने अपने मालिकों की जिंदगी तबाह कर दी है। समुद्र के बीच मछली पकड़ते हुए मैंने उसे पाया था। वो दिखता कैसा था? उस रात बहुत जोर की बारिश हो रही थी, पांच लोग मिलकर भी जाल नहीं खींच पा रहे थे। बाद में मैंने और सीनू ने साथ दिया। हम सब मिलकर सात लोग थे और हम सात लोगों ने उस जाल को खींचा, और जाल के बाहर आते ही हम लोगों ने देखा और मछलियों के बीच उस जाल में हमें एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा मिला। किसी कारण की वजह से हमने उसे काटा नहीं। और मैं उसे वहां से अपने घर ले आया। उस रोज पूरी रात कौवा काव काव कर रहा था और उसकी आवाज सुन सुन के मेरे कान फटे जा रहे थे। नींद खराब कर दी कौवा कहीं का।
बहुत कोशिश की लेकिन कौआ वहां से गया ही नहीं। तब मुझे एहसास हुआ कि उस समुद्र हादसे के बाद से कौआ मेरा पीछा कर रहा है। उसका काव काव करना कभी बंद ही नहीं हुआ। और तभी मेरी नजर उस लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। और मैंने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर सीधा कौवे के ऊपर दे मारा, जिससे वो लकड़ी का टुकड़ा टूट गया। और उसके टूटने के बाद मैंने जिंदगी की एक खूबसूरत चीज देखी, जो अब तक मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। सोना ऐसे चमक रहा था जैसे कोई सूरज की किरण। वो सोना बहुत ही कीमती था। उसका सिर्फ यहाँ ही नहीं, बाहर के देशों में भी बड़ा डिमांड है। आपको पता है उसकी क्या कीमत हो सकती है? लाख या करोड़? आप सोच भी नहीं सकती इतना कीमती है वो। वो ऐसे ही कहीं नहीं मिलता है। वो बहुत ही मुश्किल से समुद्र की गहराइयों के बीच मिलता है। तो फिर अभी वो कहाँ है? मैंने उसे मुंबई के एक आदमी को बेच दिया है। उसने मुझे एडवांस में 10,000 दिए और बाद में 50% प्रॉफिट देने का वादा किया। फिर बाद में उसका फोन आया तो उसने कहा कि वो चोरी हो गया। तो इससे मेरा क्या लेना देना? मैंने उससे कहा कि तुम चोर को पकड़ो और मुझे मेरे पैसे दे दो, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा वो तब तक पैसे नहीं देगा जब तक वो मिल नहीं जाता। यही हमारी बात हुई। अब आप ही बताइए मैं उस पर विश्वास कैसे करता? ये शंकर पुजारी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसने उस ऋषि को भी भेजा था पता लगाने के लिए कि मैंने वो माल मुंबई में कहाँ भेजा है। लेकिन शंकर पुजारी ने मुझसे कहा कि वो अपनी मछलियाँ मार्केट में बेच रहा था। चोर कहीं का, बेईमानी का धंधा करता है और बातें ईमानदारी की करता है। शंकर पुजारी की दो नंबर के लोगों से मुंबई में काफी पहचान थी। आप उस पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं कर सकती। अरे कौवा चुप क्यों नहीं बैठता है? कब से काव काव किया जा रहा है? मैं इसे आज छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा इसे। विश्वास करो, मैं इस घटना का पूरा श्रेय कौवे को ही देना चाहूंगा। उस कौवे ने दिन रात खेतों में पहरा देकर उन सभी जानवरों से, गाय बकरी भैंस सभी से खेतों की रखवाली की। और उसके बदले में हमने उस कौवे के लिए क्या किया? उसके नाम पर कभी यक्षगान भी नहीं किया। अगर मुझसे पूछो तो हमें उसके नाम पर यक्षगान करना चाहिए। कौओं का इतिहास क्या बोलते हैं? चाहे वो कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हो या भीष्म की विजय हो, कृष्ण अर्जुन या फिर भीष्म ने कभी भी हमें इन कौओं से बचाया है क्या? कभी नहीं। तो भला हम उनके नाम पर नाटक क्यों रखें? अरे कौवे हमेशा से हमारे साथ थे। है? वैसे तुम लोग कौओं को किस नाम से बुलाते हो? बेदरू गोम्बे। सही है, रूप एक ही है पर नाम अलग अलग है। ए बालू, तुम्हारी पेंटिंग बाकी है, चलो शुरू करते। हाँ आ रहा हूँ। मेरे सर पर मत बैठो, बाकी लोगों से काम शुरू करो, बाद में आता हूँ। सबका हो गया है, तुम्हारा आखिरी बचा है, आ जाओ। हाँ, आखिरी बचा है। इससे पहले मैंने कभी पेंटिंग करने का ऐसा तरीका कभी देखा ही नहीं। बेदरु गोम्बे, ये तुम्हें कोई साधारण सा नाम नहीं लगता। इसके लिए स्ट्रॉन्ग नाम होना चाहिए। क्रांतिवीर, महाप्रचंड, बेदरु गोम्बे कुछ सही नहीं लग रहा। सच कहूं तो तुम लोगों को तो किसी का नाम रखना ही नहीं आता है। पागल हो गए हो क्या? अरे कौए को कौआ ही बोलोगे, कुछ और थोड़े ही बोलोगे। अरे वाह, अपने कौओं को तुम कम मत समझना। उस कौए की वजह से मेरी कितनी रातों की नींद हराम हुई है पता है तुम्हें? पिछले एक हफ्ते से सोने नहीं दे रहा था वो। मुझे डराने की कितनी कोशिश की पता है? अंत में मैं अपने रक्षक के पास बस गया, कौवे के पास। पिछले चार दिनों से वो कौवा मेरे आसपास भी नहीं भटक रहा। मैं सच कह रहा हूँ, ये जितने भी कौवे हैं ये सारे अपने कौओं से बहुत डरते हैं। लो देखो इसे, ये फॉरेनर है। ये वही आदमी है जो सोना खरीद रहा था।
ये करोड़ों देने के लिए राजी था। दम मारोगे क्या? दो तीन कश और मारो। नहीं नहीं नहीं, नशा ज्यादा हो गया है, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। एक करोड़ कितना होता है और एक करोड़ में जीरो कितने होते हैं? देख लेना, अपने कौओं की बात कभी झूठी नहीं होगी। बेईमान कहीं का, मेरे साथ रहकर मेरी बहन के बारे में ही सोच रहा है। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। इस आदमी के मन में चोर होता है ना, सबसे बड़ा गुनहगार वही होता है। वो देखो भाग रहा है वो। नाच के छाती फूल गए, प्रैक्टिस छोड़ गई है ना। चल कोई बात नहीं, सिगरेट है क्या? ए सुधी, शेर को ऑटो में हार्बर तक लेके जाना, मैं वही मिलता हूं। चलता हूं। चल दहाड़, जैसा शेर दहाड़ता है दहाड़। कुत्ते के रोने की आवाज नहीं चाहिए, शेर की तरह दहाड़। अबे ये शेर नहीं, ये तो कुत्ता है, शेर की खाल पहन के बैठा है। Oh,
क्या मैंने कभी तुझे मांडवा के मराठी और क्यूबा के स्पैनिश बच्चे के बारे में बताया? उस मांडवा के बच्चे ने उस क्यूबा के बच्चे को मार मार के उसकी नाक तोड़ दी। जब वो मांडवा का बच्चा क्यूबा के बच्चे को मार रहा था, तब क्यूबा के बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था पता है? अरे कहाँ चली गई यार? अब सुन, जब मांडवा का बच्चा क्यूबन बच्चे को मार रहा था तो उस क्यूबन बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था? अपने आप को उसकी जगह रख के देख। अगर बिना वजह कोई तुझे मारे तो तुझे कैसा लगेगा? चल बता तू, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? बहुत कंफ्यूजन है ना, बहुत कंफ्यूज्ड है तू? नहीं नहीं, तू कंफ्यूज नहीं है। हमारा शेर कंफ्यूज नहीं होता, ये जानने के बावजूद कि मैं उसे अभी शूट करने वाला हूं। तू कंफ्यूज्ड हो गया ना? 8 साल साले तेरी वजह से। रिमांड होम मेरे ना कैसा होता है पता है? नरक होता है। तू तो आराम से भाग गया, लेकिन कभी मेरे बारे में सोचा? अब मर जा। मुझे घूरना बंद कर, इसे पानी में फेंक। बैग चेक कर। Thank you.
पहले तुम्हें बालू को ढूंढना होगा। शंकर भाई उसके ऊपर बहुत गुस्सा है। पहले तुम्हें बालू को ढूंढना होगा। शंकर भाई उसके ऊपर बहुत गुस्सा है। वो लोग बालू को उठाकर ले गए। ऋषि और उसके दोस्तों ने उसे बहुत मारा। उसके सिर से खून भी आ रहा था। पहले तुम्हें बालू को ढूंढना होगा। तुम्हें खून के धब्बे कहीं दिखाई दे रहे हैं? या मैंने कभी तुझे मांडवा के मराठी और क्यूबा के बच्चे के बारे में बताया है? तू अपने आप को क्यूबा के बच्चे की जगह पर रख के देख। अगर कोई बिना किसी वजह तुझे मार रहा है, उस समय क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? पूरा कंफ्यूजन लग रहा है ना? अब तू भी कंफ्यूज्ड हो जाएगा।
किसी को नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। हर एक की कहानी सुनती हूँ तो मुझे अलग अलग फीलिंग्स आती हैं। कौवे कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने चिल्ला चिल्ला कर परेशान कर दिया है। आपको ये सच लगता है, पर सच हर किसी से परे है। एक हादसा और तीन अलग अलग नजरिए। मुझे लगता है वो चीज रघु ने ही चुराई होगी मुंबई में। दुबई में बेचकर अच्छे से पैसे कमाकर वहीं सेटल होना चाह रहा होगा। मैंने तुमसे सही कहा था ना शनि, शनि हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। नजरिया, क्या सही क्या गलत, क्या सच क्या झूठ, सबका चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। नहीं नहीं, रिची ने उसे नहीं मारा है, मैं वहीं पर था। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, रिची उसे कैसे मार सकता है। तो फिर रघु उस दिन अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं गया। मुझे कुछ भी नहीं पता। जब हम लोग रघु को फार्म हाउस से लेकर जा रहे थे तब उसने कहा कि उसे अर्जेंट ट्रंक कॉल करना है। उस ट्रंक कॉल के बाद वो काफी परेशान था और फिर वो शाम को अपनी माँ से मिलने घर पर चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। शायद वो चुपके से वापस मुंबई चला गया होगा किसी को कुछ बताए बिना, क्योंकि मुंबई के लोग उसके बारे में जान गए होंगे। हाँ, अगर वो दुबई गया होगा तो मुझे फोन जरूर करेगा। तो मैं किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकती हूँ। पर शायद कोई भी कहानी बिना किसी कंक्लूजन के कहना गलत होगा। पर अगर आप हर एक घटना और हर एक इंसान के नजरिए पर ध्यान दें तो आपको अपने सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे। कहानी मेरे सामने तो नहीं घटी है। I have chronicled it as seen by the rest.